यूक्रेन पिछले 2.5 सालों से जंग का वो अखाड़ा बना हुआ है जहां दुनिया की 2 महाशक्तियों में टक्कर हो रही है। यूक्रेनी सेना पूरी तरह से अमेरिकी हथियारों से लैस है, वहीं रूस भी अपनी ताबड़तोड़ मिसाइलों से जोरदार हमला करते हुए चुनौती पेश कर रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग में अमेरिका और रूस के बीच दमदार हथियारों का आमना सामना हो रहा है। जहां कभी अमेरिकी हथियारों को बड़ी कामयाबी मिल रही है, वहीं कभी रूसी हथियारों से यूक्रेन में पश्चिमी देशों के हथियार एक एक कर तबाह होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में अमेरिका को बड़ी पटखनी दे डाली है। रूसी सेना ने यूक्रेन के डेनिप्रोपेट्रोवस्क में अमेरिका के पैट्रियट लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है। रूसी सेना ने अपने हमले का फुटेज भी जारी किया है। इसमें पैट्रियट बैटरी डेनप्रो से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पशेना बालका की बस्ती के पास तैनात थी। दावा है कि बैटरी में 4 मिसाइल लॉन्चर, रडार सेट और एक एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन शामिल था। फुटेज में लॉन्चर की ओर से 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों की तैनाती देखी गई। बताया गया कि यूक्रेनी सेना ने रूसी इस्कंदर मिसाइलों के जवाब में इसे दागे थे। इसके बाद रडार और कंट्रोल स्टेशनों और एक लॉन्चर पर जबरदस्त ब्लास्ट देखा गया। रूसी मंत्रालय ने बताया कि तीनों पूरी तरह से नष्ट हुए, जबकि एक अन्य लॉन्चर को नुकसान पहुंचा है। दावा है कि पैट्रियट मिसाइलों को सेल्फ डिफेंस के तौर पर तैनात किया गया था, लेकिन वह या तो आने वाले बैलिस्टिक खतरों को चूक गए या फिर उसके एक हिस्से को ही रोक पाया। माना जा रहा है कि यूक्रेनी बलों ने पैट्रियट बैटरी को इस्कैंडर मिसाइल की आसान मारक क्षमता के भीतर रखा, जिससे रूसी मिसाइल ने मौका लपकते ही यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। बता दें कि रूस पश्चिमी हथियारों के खिलाफ अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल पैट्रियट सिस्टम मिसाइलों की पहचान करने, ट्रैक करने और टारगेट के लिए महत्वपूर्ण जानकारी अपनी ताकत के चलते एयर डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रडार दूर से खतरों का पता लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो रूस लगातार यूक्रेनी एयर स्पेस में क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करता रहता है। दावा है कि रूस टारगेट पर हमला करने के लिए ऐसा नहीं करता, बल्कि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों की लोकेशन जांचने के लिए हमला करता है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के विरोधी नेता मारियाना वेजुहला ने भी हालिया हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस हमले ने एक और पैट्रियट को खत्म कर दिया। यह पहला नहीं है। इस पर कीव की वायुसेना के प्रवक्ता कर्नल यूरो इग्रांड ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मारियाना को एक यूक्रेनी सैनिक के लिए बेहतर डीमोटिवेटर करार दिया। बता दें कि यूक्रेन खुद को रूसी मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम खास तौर से पैट्रियट पर निर्भर है, इसलिए वह अमेरिका से ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहा है। बता दें कि यूक्रेन को पिछले साल अप्रैल महीने में अपना पहला पैट्रियट सिस्टम मिला था। रूस ने जुलाई में 2 पैट्रियट लॉन्चर मार गिराने की जानकारी दी थी।